हेलो एवरीवन, रियाज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नए प्रोजेक्ट। जैसे कि मैं हमेशा आपके लिए लेकर आता हूं लग्जरियस कमर्शियल रेसिडेंशियल। आज मैं जिस साइट पे आया हूं वो एसएस ग्रुप का एसएस 90, ये एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट होने वाला है। चलिए इसके बारे में जानते हैं ब्रीफली और देते हैं इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट आवर वीडियो। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के कनेक्टिविटी के बारे में, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी प्रोजेक्ट के लिए होती है वहाँ की कनेक्टिविटी। मैं आपको बताऊँ, 135 मीटर वाइड रोड के पास मैं खड़ा हूँ और ये बैंग ऑन करता है इस प्रोजेक्ट को। तो ये गुड़गांव का सबसे बड़ा वाइड रोड होने वाला है। 135 मीटर इज नथिंग लाइक एनीथिंग। ये 135 मीटर वाइड रोड आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उसके साथ ही फरीदाबाद दिल्ली को मेजर रोड्स आपको कनेक्ट करने वाले हैं। मैं आपको बताऊं कि NH8 आपको हार्डली और पटौदी रोड आपको हार्डली 2 to 5 मिनट्स आपको ड्राइविंग डिस्टेंस में मिलने वाले हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी आपको 3 to 5-6 मिनट्स हार्डली आपको लगने वाले हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से आने के लिए। IMT मानेसर यहां से 2 किलोमीटर के ड्राइविंग डिस्टेंस पे हैं। ये कुछ कनेक्टिविटीज़ हैं, जो जगह हैं जो काफ़ी मैटर करते हैं इस लोकेशन के लिए, इस यहाँ के लिए, क्योंकि और सारे गुड़गांव के सारे मेजर प्लेसेस को ये मेजर रोड कनेक्ट करता है, ये वेल कनेक्ट करता है ऑल प्लेसेस ऑफ गुड़गांव। उसके साथ ही कनेक्टिविटी आपको काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मिलने वाली है। क्यों होने वाला है ये प्रोजेक्ट अल्ट्रा लग्जरियस? कोई भी प्रोजेक्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जाता है, उसमें यह भी देखा जाता है उसमें आपके लिए मिल रहा है स्पेस या नहीं, क्या होने वाले हैं अगल बगल के चारों तरफ के एमिनिटीज, कनेक्टिविटीज क्या होने वाले हैं और होने क्या वाले हैं एरिया। साइजेस भी मैटर करते हैं, साइजेस कॉन्फिगरेशन भी मैटर करते हैं और रूम टावर एवरीथिंग मैटर्स। तो अभी हम बात करेंगे एरिया के बारे में। टोटल 7 एकड़ में बनकर तैयार होने वाला है ये, 7 एकड़ में बनकर तैयार होने वाला ये प्रोजेक्ट SS90। उसके साथ ही अगर बात करें टावर की तो टोटल 4 टावर आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे, लेकिन टावर 1 अभी लॉन्च किया गया है जो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। आपको उसमें ग्राउंड फ्लोर 33 ग्राउंड प्लस 33 फ्लोर्स आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। और उसके साथ ही मैं आपको यूनिट्स के बारे में बताऊं तो टोटल यूनिट्स आपको यहां पे मिलने वाले हैं 132 यूनिट मिल रहे हैं। तो व्हाट मोर यू वांट, इसके अलावा आपको क्या जानना है, उसके अलावा आपको जानना है साइजेस कॉन्फ़िगरेशन, उसके साथ कनेक्टिविटी, प्लस मैं आपको थोड़ी डिटेल में बताता हूँ। साइजेस के बारे में बात करते हैं, आपको एक साइज मिलने वाला है वो इसमें मिलने वाला है आपको 3 BHK प्लस सर्वेंट प्लस पाउडर रूम, जिसकी साइजेस कॉन्फ़िगरेशन आपको 1550 से लेके 1650 यानी 1650 तक होने वाला है। 1550 तक आपको यहाँ पे साइजेस कॉन्फ़िगरेशन में मिलने वाला है 3 BHK प्लस सर्वेंट प्लस पाउडर रूम के लिए। उसके साथ मैं आपको बताऊँ कि 135 मीटर वाइड रोड आपको वाइल्ड रोड मिल जाता है। 135 मीटर वाइड रोड में आप देख सकते हो मैं जिस एरिया में करा हूँ ये उसी वाइड रोड का हिस्सा है। गुड़गांव में सबसे बड़ा वाइड रोड आपको यहां पे मिलने वाला है दोस्तों 135 मीटर। आप समझ सकते हैं कि पार्किंग के लिए कितना शानदार आपके लिए बनाया जा सकता है। अंदर आपके लिए एरिया वाइज में आप देख सकते हैं अंदर भी आपके लिए पार्किंग का स्लॉट बनाया जाएगा। साथ में मैं आपको बताऊं कि इसी के साथ एक कमर्शियल वाइट वाटर भी इनका आ रहा है, बनकर तैयार होने वाला है, जिसके बारे में ब्रीफली हम जानेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल तक इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो आपने जान लिया कितना होने वाला है एकड़ होने वाला है यहाँ का एरिया, साइजेस आपको मालूम हो गया, साइजेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया मालूम, टावर आपको मैंने बता दिया कि 4 टावर हैं लेकिन टावर 1 लॉन्च हुआ है जो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। तो हरी अप और नाउ गो टू बाय। उसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पे बताया यूनिट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके अगले चरण पे जाके क्या होने वाले हैं एमिनिटीज। लेट्स टॉक अबाउट एमिनिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे मालूम है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा ही होंगी एमिनिटीज़ को लेकर, तो वो फुलफिल करता है आपके लिए SS90 वो सारे लग्जरियस एमिनिटीज़ देता है जो आपको एक अल्ट्रा लग्जरियस प्रोजेक्ट में मिलनी चाहिए। उसके साथ ही
हाउ कैन आई फॉरगेट अबाउट टेलिंग यू द क्लब हाउस एंड व्हाट कैन बी द साइजेस लाइक 10,000 स्क्वायर फीट 20 नो होल्ड ऑन आई एम टेलिंग यू 1,00,000 स्क्वायर फीट में आपको सिर्फ क्लब हाउस मिलने वाला है। चौक गए वैसे ही मैं चौक गया था। 1,00,000 स्क्वायर फीट में आपको जब क्लब हाउस मिलने वाला है तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्पेस हुआ होगा, कितना अच्छा से उसको तरीके से बनाया गया होगा, कितना लग्जरियस उसमें रखा होगा और क्लब हाउस में आने वाले सारे एमिनिटीज आपको उसमें मिलने वाले हैं। क्लब हाउस से अब दूर हट के और बात करते हैं अल्ट्रा लग्जरियस इस प्रोजेक्ट के और भी एमिनिटीज के बारे में। लाइक यहाँ पे आपको मिलने वाला है जॉगिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया, मल्टीपर्पज हॉल, गार्डन एरिया, जिम, आपको जिम भी आपको मिलने वाला है, स्पा मिलने वाला है, गार्डन एरिया आपको गार्डन भी, पार्क भी आपको मिलने वाला है यहाँ पे, बुजुर्ग लोगों के लिए, ओल्ड लोगों के लिए अलग से पार्क है, कॉमन पार्क अलग से बनाया गया है यहाँ पे, तो काफ़ी लग्जरियस आपको एमिनिटीज यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये था इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो आपके लिए, मैंने ज़्यादा ब्रीफली आपको नहीं बताया है क्योंकि कुछ इंक्वायरीज के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इसलिए कुछ इंक्वायरीज के लिए भी छोड़ा जाता है क्वेश्चंस। लेकिन अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप इंक्वायरी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आई होप कि जितना भी इंफॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाया वो आपको पसंद आया होगा। किसी और प्रोजेक्ट के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम बनाएं वीडियो तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, कमेंट करके बताएं प्रोजेक्ट का नाम, हम वीडियो लेकर आएंगे इन डिटेल जैसे अभी बना रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।